नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे के अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। पौड़ी और उत्तरकाशी में हुई दुर्घटनाओं के चलते मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। कोटद्वार उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्यों का अब जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री, तो सभी अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्यों का अब जायजा ले रहे हैं। वहां पर लगातार अधिकारियों से संपर्क में बने हुए हैं, लगातार जो घटना हुई है उन घटना की जानकारी लेते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जो राहत बचाव कार्य है उसमें तेजी लाने की बात उन्होंने कही है और अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए अब घटनास्थल के जायजा लेते नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने दशहरे के अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और सीएम धामी ने दशहरे के अपने कार्यक्रम स्थगित करते हुए अब हादसे की पूरी जानकारी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट लेते रहे हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दे रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातली स्थित आईटीबीपी कैंप में द्रौपदी के डांडा दो पर्वत चोटी में हुए हिमस्खलन से प्रभावित लोगों के बारे में जिला प्रशासन के अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों के परिजनों और के साथ मुलाकात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी ली है। तो उत्तरकाशी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने हालातों का जायजा लिया, सभी अधिकारियों से बात की उन्होंने और हालातों के बारे में जाना, रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी तक 34 में से 27 लोग अभी मिसिंग में हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, सेना के लोग, सभी लोग लगे हुए हैं और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द सभी लोग सकुशल वापस आ जाएं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल सिमड़ी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भेस हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंचे और घायलों से मिलकर हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू टीम अभी काम कर रही है, शाम तक सभी घायलों को ढूंढ लिया जाएगा और सभी को ढूंढने के बाद इसके साथ ही घोषणा की है कि मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो सिमड़ी पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किया और इसके साथ ही आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। लेकर एम्स में भी सभी जगह हम लोगों ने बात की हुई है और देहरादून में भी अस्पतालों में बात की है। यहाँ पर जो भी लोग पहुंचे हैं वो तो सभी अभी तक ठीक हैं और जल्दी सकुशल पहुँच जाएंगे। जो बॉडी वहाँ पर मिस हुई है उन सबको रेस्क्यू टीम लगातार निकाल रही है और आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। जैसी जानकारी मिली है कुछ बॉडी वहाँ पे बरामद नहीं हुई है, इसके लिए क्या करना है? नहीं नहीं, सभी को हम लोग निकालने की वहाँ पर पूरी चल रही है और शाम 5-6 बजे तक आज। उधर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल स्टाफ को भर्ती मरीजों की यथोचित उपचार के लिए निर्देशित किए हैं। तो कोटद्वार पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह और घायलों का हालचाल जाना इस दौरान। इसके साथ ही वहां पर डॉक्टरों को उन्होंने निर्देशित किया है कि जो घायल वहां एडमिट हैं उनका बेहतर इलाज किया जाए। सीएम धामी ने कोटद्वार बेस अस्पताल जाकर सिमड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि घायलों के इलाज के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है और इसके साथ ही सीएम ने डीएम पौड़ी को निर्देशित किया कि जिन ग्रामीणों ने आपदा की घड़ी में घायलों और मृतकों को बाहर निकालने में मदद की है उनकी सूची बनाकर उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। क्योंकि अभी एग्जैक्ट संख्या 45 के आसपास बताई जा रही है, उसमें से 35 लोग लगभग निकाल लिए गए हैं, जो जिसमें से 10 लोगों की डेथ हुई है और अभी शाम तक जो है
संभवतः शाम तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, तभी उसका स्पष्ट फिगर आएगा। जो 9 लोग कोटद्वार हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सभी सकुशल हैं, अच्छे हैं अभी, और एक लोगों को एम्स रिफर किया गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे लालढांग गांव से पौड़ी जिले के कांडा गांव जा रही 12 की बीरोखाल सिमड़ी बैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनते के बाद पौड़ी जिला प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन हरिद्वार के अधिकारियों को बस दुर्घटना में प्रभावित लोगों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यहाँ से 35 लोग गाड़ी में गए थे, दूल्हा और उनकी सिस्टर और कुछ बच्चे उनके साथ में अलग कार से गए थे। तो रिखनीखाल के पास में ये बस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें से अभी बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई है, बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं, अभी रेस्क्यू चल रहा है। प्रशासन की तरफ से जो भी संभव होगा वो प्रयास किया। कांग्रेस ने राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि 22 सालों के राज्य में भी डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हुई, जिसे पता चलता है कि सरकार कितनी उदासीन रवैया इस ओर अपना रही है। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी, ब्लॉक प्रमुख पद के 5 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने घोषित किए हैं प्रत्याशी। प्रत्याशियों में कानपुर से नीतीश कुमार, नारसन से श्रीमती कोमल देवी, भगवानपुर से करुणा करणवाल, लक्सर से डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत, बहादुराबाद से आशा नेगी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। और उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को सत्य की जीत का पर्व यानी विजयादशमी के शुभकामनाएं दी हैं। विजय का यह पर्व, नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा अधर्म पर धर्म की विजय का यह पर्व हमें सदैव भगवान श्री राम के मार्गों का अनुसरण कर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों से आशीर्वाद ले संपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श और सुशासित राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित और वचनबद्ध है। विजयदशमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में सदैव खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे, ऐसी मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औली और बद्रीनाथ से सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों के साथ दशहरा मनाया। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा भी की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की है। भारत की सुरक्षा को लेकर कोई संकट पैदा किया गया है तो उसमें आपने जो जिस भूमिका का गर्व किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हमारे सेना के जवानों के कारण ही आज हमारा भारत सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित माहौल में आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। ये सब आपके कारण, राष्ट्र से ही हमारा सुरक्षित न होता, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हम आश्वस्त न होते, हम इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं अथवा जो करना चाहते हैं शायद हम वह नहीं कर सकते। लक्सर में नवरात्रि के समापन के बाद नवमी के मौके पर मां दुर्गा के भक्तों ने दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन किया। हिंदू समुदाय में घर घर मां शक्ति दुर्गा की पूजा अर्चना होती है, जिसके चलते इस बार भी लक्सर नगर में आधा दर्जन और उसके आसपास के इलाकों में एक दर्जन भर से अधिक स्थानों पर मां दुर्गा के भव्य और विशाल पंडाल लगाए गए। देखे
बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे के मौके पर उत्तराखंड के लोगों ने सरकार के सामने भी अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। दशहरा ग्राउंड पहुंच रहे लोगों ने कहा कि रावण रूपी अंकिता के हत्यारों को भी आज समाप्त करना चाहिए, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के सही मायने साबित हो सके। बिल्कुल, ऐसे रावणों का भी दहन होना चाहिए, आज ही के दिन होने चाहिए, तभी मुझे लगता है कि देहरादून में या फिर किसी भी कंट्री में या फिर हमारे पूरे देश में दशहरे का महत्व तभी बढ़ेगा। जब दशहरे का मतलब ही होता है बुराई पे अच्छाई की विजय, तो ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है जो हमारे इस देश में चल रही है, जिसके ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। ना आवाज़ उठाने का कारण आई थिंक सभी जानते हैं, बट आवाज़ कोई नहीं उठाना चाहता क्योंकि इसके पीछे कौन होता है ये भी सब जानते हैं। बट अंकिता भंडारी जो इतनी छोटी लड़की थी, जिसके माँ बाप ने उसको वहाँ भेजा काम करने के लिए, जो एक सहारा बनने जा रही थी, उसके साथ ऐसा हुआ है। दशहरे के दिन हरिद्वार में आदि जगतगुरु शंकराचार्य के स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है। पिछले 2500 सालों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों के देवता के रूप में पूजा जाता है। वैदिक विधि विधान के साथ दशनामी सन्यासी इन देवता रूपी भालों की पूजा करते हैं। की जो वैदिक परंपरा है शक्ति पूजा की, उसमें ये जो विजयदशमी का पर्व आता है आश्विन की जो नवरात्रि है उसकी समाप्ति के बाद में, ये एक पौराणिक विधान है। हमारे यहाँ देवताओं ने जो शस्त्र धारण किए समय समय पर असुरों के संहार के लिए, तो उनका पूजन साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो यही परंपरा का निर्वहन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से दशहरे के दिन ये पूजन की परंपरा चली। और इस बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि रद्द हो सकती है डीसीबी में की गई 423 भर्तियां। 3 जिलों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट समिति ने शासन को सौंप दी है। 2020 में 423 ग्रुप 4 के पदों के लिए शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया, तो 2020 में 423 ग्रुप 4 के पदों के लिए भर्ती शुरू हुई थी और 2817 पन्नों की जांच रिपोर्ट है जो कि अब सौंप दी गई है शासन को। रिपोर्ट सौंपी गई है, देहरादून के 1038 पन्ने की रिपोर्ट है और 1019 पन्ने की रिपोर्ट पिथौरागढ़ की है, जबकि 760 पन्नों की रिपोर्ट उधम सिंह नगर की है। चयन प्रक्रिया में आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया, वार्षिक परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को दिया गया लाभ। खबर देहरादून से, जहां पर चिंतन शिविर का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। 6 से 8 अक्टूबर को होना था सशक्त उत्तराखंड एट 25 शिविर। उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित होनी थी कार्यशाला। प्रदेश के 2 बड़ी घटनाओं को लेकर ये स्थगित किया गया है कार्यक्रम। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया है, कार्यशाला को लेकर जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। उधर विकास नगर लखवाड़ बैंड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, 5 लोग घायल हो गए हैं बताया जा रहा है। ये बड़ा हादसा हुआ है। विकास नगर से चिताड़ गांव जा रहे थे यात्री, दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होने का प्लान था और घायलों को विकास नगर अस्पताल पहुंचाया गया है। तो यह हादसा हुआ है, विकास नगर लखवाड़ बैंड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में गाड़ी में 5 लोग घायल हुए हैं। 5 लोग सवार थे जो कि घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें विकास नगर से चिताड़ गांव जा रहे थे जो कि यात्री, और इस दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद 5 लोग घायल हुए हैं। दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होने का इन लोगों का प्लान था जो कि रास्ते में ही इन लोगों के साथ ये हादसा घट गया और घायलों को विकास नगर अस्पताल में पहुँचाया गया है। वहाँ पर उनके इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है।
देहरादून में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता दीपिका सिंह राजावत को अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने और संबंधित मामले पर तमाम बारीकियों की जांच के लिए उत्तराखंड भेजा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अधिवक्ता दीपिका सिंह राजावत ने कठुआ बलात्कार कांड की पीड़िता को भी न्याय दिलाया था। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने अंकिता भंडारी के परिवार को ये गुजारिश की थी, ये निवेदन किया था कि इस केस को लड़ने के लिए अगर कोई कानूनी सहायता की आवश्यकता महसूस हो तो हम निशुल्क ये सहायता देने के लिए तैयार हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग दोबारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो बहन दीपिका सिंह राजावत जो कि जम्मू में कठुआ केस को लड़कर उस केस के जो तमाम अपराधी थे उनको सजा दिलाने का उन्होंने काम किया, ये आज हमारे साथ यहाँ पर आई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको भेजा गया है और आज हमने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की, उन्हें ये बात समझाई और मैं उम्मीद करता हूँ आज इसी गांव से इस उम्मीद के साथ में यहाँ से हम लौट रहे हैं। भाई मनोज रावत जी हैं, राजेश चमोली जी हैं, बहन शांति रावत जी हैं और हमारे साथ यहाँ हमारे स्थानीय युवा नितिन बिष्ट जी हैं, सभी लोग हैं हम लोग। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी जांच को लेकर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम भले ही आरोप लगाना हो लेकिन विपक्ष को कम से कम इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए जब मामले की जांच चल रही हो। कोई जांच से काम कर रही होती है उस समय पर उसका राजनीतिकरण करना बुद्धिमत्ता नहीं है। अभी आपने देखा होगा ट्रिपल एससी मैटर में जो कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और आखिर कार्रवाई में कहाँ कमी लग रही है। 12 घंटे के अंदर अपराधियों को जेल में भेज दिया जाता है, बॉडी रिकवर हो जाती है और हमने भी जो संगठन के दृष्टिकोण से जो लगता था तो हमने भी कार्रवाई की है। उन लोगों मुख्यमंत्री उनके परिवार में गए हैं, आश्वासन दिया है कि हर कार्रवाई में गुनाह साबित करने में जहाँ सरकार की आवश्यकता पड़ेगी हम उनकी मदद करेंगे। वो पूरे प्रदेश की बेटी है, कोई जान से काम कर रही होती है उस समय। दशहरे के दिन हरिद्वार में आदि जगतगुरु शंकराचार्य के स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजा का विधान है। पिछले 2500 सालों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों को देवता के रूप में पूजा जाता है। जो वैदिक परंपरा है शक्ति पूजा की, उसमें ये जो विजयदशमी का पर्व आता है, आश्विन की जो नवरात्रि है उसकी समाप्ति के बाद में, ये एक पौराणिक विधान है। हमारे यहाँ देवताओं ने जो शस्त्र धारण किए समय समय पर असुरों के संहार के लिए, तो उनका पूजन साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो यही परंपरा का निर्वहन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से दशहरे के दिन ये पूजन की परंपरा चली आ रही है। जो वैदिक परंपरा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यूकेडी ने सरकार की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने कहा है कि सरकार ने जांच शुरू की है और सही दिशा में नहीं जा पा रही है बल्कि आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो विधानसभा वाला मामला, चाहे वो भर्ती वाला मामला हो, इसे बिल्कुल कतई नहीं है सरकार, उसको खाली जनता को बना रही है, कुछ होना आना उसमें कुछ नहीं है, लिपापोती कर रही है और अपने आप को साफ बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती है हम इससे सहमत नहीं है। पूरे उत्तराखंड की जनता सीबीआई की जाँच की मांग कर रही है। आईटी की जाँच से मैं संतुष्ट ही नहीं हूँ, चाहे वो विधानसभा वाला मामला, चाहे वो भर्ती वाला मामला हो, इसे बिल्कुल कतई नहीं है सरकार, उसको खाली जनता को बना रही है, कुछ होना आना उसमें कुछ नहीं है, लिपापोती कर रही है और अपने आप को साफ बचाने की। धर्म नगरी हरिद्वार में दशहरे की धूम मची हुई है। इस अवसर पर ज्वालापुर के व्यापारियों ने एक अलग ही रावण बनाया जो कि हरिद्वार में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्वालापुर के व्यापारियों ने इस रावण को ऑनलाइन रावण का नाम दिया है। हमारा मेन विषय यही है बुद्धा की ऑनलाइन मार्केटिंग
की वजह से जो मार्केट के अंदर रौनक खत्म होती जा रही है, जो पहले दीपावली वगैरह त्योहारों पे जो मार्केट में एक रौनक होती थी, जो लोगों को घूमने का, जाने का, मार्केट में आने का एक शौक रहता था, अब लोग सब कमरों में बंद रहकर ही रह गए हैं। इसका प्रभाव मतलब कुप्रभाव मार्केट में तो पड़ ही रहा है, आम आदमी पे भी पड़ रहा है कि वो आदमी जो बाहर घूमकर जो हवा लेता था और जो एंजॉय करता था उसका एंजॉय खत्म होता जा रहा है, साथ में वो सिर्फ एक ऑनलाइन पे बैठे बैठे मंगा रहा है। जबकि पर्यटन नगरी रानीखेत कोतवाली में राजस्व क्षेत्र गोविंदपुर तारा मंडल में पोक्सो एक्ट के अपराधी को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है, जो कि दिव्यांग है और इस अपराधी पर 17 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। ये मुकदमा पहले तो जिला मजिस्ट्रेट ने हमारे एसपी साहब को लिखा और एसपी साहब ने नासिर हुसैन जो हमारे इंस्पेक्टर साहब है रानीखेत इनको सुपुर्द किया गया, तो इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो पीड़ित पक्ष है उसके बयान अंकित किए गए हैं, तो उसमें गंभीर आरोप इन पर लगाए गए हैं, जिस कारण इनको आज ही इनको रात में ही ये हल्द्वानी से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में इन रिमांड हेतु इनको पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने भी लगे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र के तर्ज पर ही राज्य में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर दिया गया है। देश के मुख्यमंत्री मनोहर सिंह धामी जी का, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसी तर्ज पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रति किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये देने की संकल्प किया है, उसके लिए हमने लगभग 200 करोड़ की व्यवस्था बजट में की है और 9 नवंबर को संभवत स्थापना दिवस के पूर्व उसको हमला। कोटद्वार में अग्निवीर बनने के लिए गए 19 साल के केदार भंडारी पर चोरी का कथित इल्जाम लगा और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लक्ष्मण झूला पुलिस ने बिना कोई शिकायत दर्ज किए केदार को कस्टडी में रखा और वहां से भागकर केदार ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब परिजन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस बोल रही है अभी क्या है, पुलिस ने बताया हमें तो नहीं विश्वास, जो 70 फीट से छलांग मारा क्या उसका पांव नहीं टूटा, क्या उसके पांव का निशान है वहाँ पे, ये मान पुलिस जब बता रही है घटना तो हम कैसे माने, सारी झूठ है, मैं विश्वास नहीं करता। पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद क्या ये पूरी स्क्रिप्ट लग रही है, पूरी प्लान है, किस तरह से आप देखते ये मुझे लग रही है इनकी ये मिली मिली ये दीपापोती कर रही, मेरे समझ में नहीं आई ये सब दीपापोती कर। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे, जबकि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर सुबह 8:30 भैया दूज के अवसर पर बंद होंगे। वही 19 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, आपको बता दें, और भैया दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। और देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज बौछारों के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था और अब मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज बौछार के साथ बारिश शुरू हो गई है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में सत्य के असत्य पर जीत का पर्व दशहरा मनाया गया और हर साल की तरह बुराई के प्रतीक अहंकारी रावण को जलाया गया है। एक बार फिर से रावण को जलाया गया है, सत्य की जीत का पर्व देहरादून में पुतला दहन कर मनाया गया। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।